वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ रूप्स और मैं रूपम एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। बात करते हैं हम अपनी आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो होने वाली है स्किन केयर से रिलेटेड। तो यार, ग्लोइंग स्किन किसको नहीं चाहिए होती है। एक बेटर स्किन केयर रूटीन आपके चेहरे में एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया ग्लो लाती है। यार रात में तो टाइम होता ही होगा ना, आप रात में ट्राई करो इसको। टीनेजर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि उनकी स्किन इस टाइम पे काफ़ी सेंसिटिव होती है। वो उनके स्किन पे एक्ने प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने लगती हैं और फिर धीरे धीरे पिगमेंटेशंस की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वीडियो टीनेजर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ मैं एक बोल में दही ले रही हूँ और इसे मैं मिक्स करूँगी। दही एक बहुत ही अच्छा क्लींज़र होता है, तो मैं दही को एज अ क्लींज़र यूज़ करूँगी। तो मैंने दही अप्लाई कर लिया अपने फेस पे और मैं अच्छे से मसाज करूँगी। तो हल्के हाथों से मसाज करने के बाद आप अपने फेस को फेस वाइप की हेल्प से क्लीन कर लीजिए। यहाँ मैंने हिमालय का फेस वाइप लिया है और इससे मैं अपने पूरे फेस को क्लीन करूँगी। इससे आपके फेस पे जितना भी डर्ट वगैरह होगा वो सब रिमूव हो जाएगा। मेरे फेस पे ज़्यादा डर्ट नहीं था इसलिए कैमरा ने कुछ कैप्चर नहीं किया है, बहुत हल्का ही सा था। तो अब आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए अपने फेवरेट फेस वॉश से। तो यहाँ मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है और मैं कॉटन क्लॉथ की मदद से अपने फेस को पैड ड्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पैड ड्राई कर लिया। अब मैं अपने फेस पे रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी एज अ टोनर और ये बहुत ही फ्रेश फील कराता है, मेरा फेवरेट है। अब जो बोल में हमारी दही बची हुई थी उसमें मैं हनी ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड लेंटिल पाउडर यानी मसूर की दाल का पाउडर और ये मैंने पहले से ही बना रखा था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये हमारा फेस पैक तैयार। इसे हम अब अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। मसूर दाल के अपने ही कुछ फ़ायदे होते हैं, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, टैन रिमूव करता है और अगर आपके स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी हेल्प करता है। ये आपके फेस पे एक्ने स्पॉट्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है और एक्ने को आने से भी रोकता है। ये फेस पैक समर सीज़न के लिए बेस्ट होता है और अगर आप इसको विंटर सीज़न में भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके इसको अप्लाई कर सकते हो। आप अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी ना भूलें, आप इसे नेक पे भी अप्लाई करें। तो यहाँ हमने फेस पैक अप्लाई कर लिया है, अब हम अपने हल्के हाथों से अपने फेस पे एक मिनट तक मसाज करेंगे। इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, आपकी स्किन पे जो भी डेड सेल्स वगैरह होंगी वो सब रिमूव हो जाएंगी। मसूर दाल का जो पाउडर होता है वो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनता है, उसमें हल्के से बीड्स ज़रूर होते हैं तो वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे और फेस पैक के तो बेनिफिट्स ये देगा ही देगा। तो अब हल्के हाथों से मसाज करने के बाद आप इसको 20 मिनट तक कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दें। तो 20 मिनट बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, तो अब हम अपने फेस को वॉश कर लेते हैं।
तो यहाँ मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब हम अपने फेस को पैट ड्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने रोज़ वाटर फिर से अपने फेस पे अप्लाई किया है। आपके पास जो भी टोनर हो आप उसको फेस पैक के पहले और फेस पैक के बाद दोनों बार यूज़ करो, इससे आपके स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है। तो अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। ये मैंने बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर लिया है और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप टोनर यानी रोज़ वाटर जब यूज़ करते हो तो आप उसको 2 मिनट तक सेट होने दो, उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अपने नेक पे और अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है एंड इट्स डन। पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और जाते जाते मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि हर ट्यूसडे और फ्राइडे मैं आप सबके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।